हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शरचंद अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में हारमोनियम, स्पेनिश गिटार, माउथ ऑर्गन और वोकल सिंगिंग सिखाता हूँ। मेरे सिखाने के कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में है। आपको सिर्फ इतना कष्ट करना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको घर बैठे बैठे आराम से मिलते रहें। और आप जो कुछ भी सीखना चाहते हो उससे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, आप दिन के समय कभी भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उसका समाधान बता सकूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है कि हमारा अपना स्केल कौन सा है, हम कैसे जाने कि हमारा स्केल कौन सा है, कैसे ढूंढे या कैसे पहचाने कि हमारा स्केल कौन सा है, ताकि हम जब गाना गाएं तो हमारी आवाज बेसुरी ना हो और हम गाने को आराम से गा लें और सुनने वाले को अच्छा लगे। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका अपना स्केल क्या है, ठीक है ना। अब ये बात निकल के आती है कि स्केल होता क्या है, स्केल शब्द आया कहां से और स्केल होता क्या है। स्केल शब्द जो है लैटिन वर्ड स्केला, SCALA, स्केला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लैडर, यानी सीढ़ी। जैसे सीढ़ी में वो बांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे होते हैं चढ़ने के लिए, स्टेप्स, जिसको बोलते हैं रंग, बोलते हैं रंग, RUNG, रंग। तो जो स्टेप्स लगे होते हैं और हॉरिजॉन्टल पीसेज, जो टुकड़े लगे होते हैं बांस के चढ़ने के लिए, वो चढ़ने के स्टेप बने होते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा स्केल होता है, स्केल में 8 नोट होते हैं। 8 नोटों का जो कलेक्शन है, 8 नोट जो इकट्ठे लिए जाते हैं एक कलेक्ट रूप में, उसको बोलते हैं स्केल। जिस तरह से सीढ़ी में चढ़ने के लिए स्टेप बने होते हैं, उसी तरह से स्केल में नोट्स बने होते हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो स्वर चढ़ते जाएंगे, वापस आएंगे तो स्वर उतर जाएंगे। एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कह लीजिए, आरोही और अवरोही कह लीजिए, ठीक। ये तो बात है कि स्केल वर्ड का मतलब क्या है और स्केल में कितने नोट होते हैं। 8 नोट होते हैं जो उसका एक की सिग्नेचर बनाते हैं, एक पर्टिकुलर स्केल बनाते हैं, उसका एक ऑक्टेव बना देते हैं, ठीक। अब बात होती है कि स्केल कितने तरह के होते हैं। स्केल बहुत सारे हैं, फिर भी आपको कुछ स्केल आपको बता दूं। जैसे म्यूजिकल स्केल्स के रिलेशन में मेजर स्केल्स, हार्मोनिक माइनर स्केल, मेलोडिक माइनर स्केल, पेंटाटोनिक स्केल, क्रोमैटिक स्केल, ब्लूज स्केल, मोड्स, इतने सारे ये स्केल हो गए, ठीक है। अगर ये सबको बहुत डिटेल जानेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा मेन पर्पस खाली मेन में जो है, जैसे आपके जो मेजर स्केल्स हैं उसके बारे में आपसे बात हो जाए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारे टोटल 12 मेजर स्केल होते हैं, ठीक है ना। और अब 12 मेजर स्केल से बात करने से पहले पहले देख ले मेजर स्केल क्या हुआ। मेजर स्केल में 7 यूनिक नोट होते हैं जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे ABCDEFG, यूनिक अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो भी मेजर स्केल होगा उसमें 7 यूनिक लेटर होंगे, 7 यूनिक नोट्स होंगे, और जो 8वां नोट होगा वो रूट नोट होगा, जहां से शुरू होता है वो रिपीट होता है ताकि वो ऑक्टेव बन जाए, ठीक है ना। जैसे CDEFGAB और C पे ऑक्टेव कंप्लीट, ABCDEFG और A पे ऑक्टेव कंप्लीट, ठीक है। अब हमारे पास जो मेजर स्केल है, इसके जो नोट्स है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी भी मेजर स्केल के नोट्स के निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, हाफ स्टेप। अभी होल स्टेप और हाफ स्टेप क्या होता है,
ये समझने के लिए आपको थोड़ा ये जानना पड़ेगा नोट्स कितने हैं। हमारे 12 नोट हैं। कौन कौन से? अगर हम सी से स्टार्ट करेंगे तो सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, ये 12 नोट हो गए। ठीक है, ये जो 12 नोट हैं इनको आप हाफ स्टेप्स भी कह सकते हैं। अब अगर जो आपको मेजर स्केल के जो नोट्स निकालने का फॉर्मूला है, अब इसको समझने के लिए ये थोड़ा सा चार्ट समझ लीजिए, अभी आपको हारमोनियम में बजा के दिखाऊंगा। देखिए ये इसका चार्ट है, हमने नोट बना दिए, जैसे ये हमने सी के स्टार्ट करते हुए 12 नोट लिखे। ठीक है, अब ये सी का जो मेजर स्केल है, इसके जो नोट्स निकालने का रूल है, ये किसी भी मेजर स्केल के नोट्स को निकालने का जो रूल है वो यही होगा, होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप, तो हाफ स्टेप मिला के एक होल स्टेप बनता है। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे कि जो सी मेजर स्केल है उसमें सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो सी से डी में जाने के लिए हमको दो हाफ स्टेप लेने पड़ रहे हैं। ठीक, और वो मिलकर एक होल स्टेप हो गया, यानी सी से जब डी पे जाएंगे तो एक होल स्टेप हो जाएगी, यानी दो हाफ स्टेप लेंगे तो एक होल स्टेप बन जाएगा हमारा, तो सी से डी में एक होल स्टेप हो गया, डी से ई में फिर दो हाफ स्टेप लेंगे फिर एक होल स्टेप हो जाएगा, फिर ई से एफ में हाफ स्टेप लेंगे, एफ से जी में फिर होल स्टेप लेंगे, जी से ए में फिर होल स्टेप लेंगे, ए से बी में फिर एक होल स्टेप लेंगे और बी से सी में हाफ स्टेप लेंगे। ठीक, अब ये आप समझ लीजिए कि हारमोनियम जैसे समझ लीजिए कैसे, अगर इसके रूल निकालेंगे कैसे, में ये सी है और ये डी है, तो सी सी शार्प डी, यानी अगर दो हाफ स्टेप लेंगे तब एक होल स्टेप बन जाएगा, यानी सी से डी के बीच में एक होल स्टेप हो गया, डी से ई के बीच में दो हमने हाफ स्टेप लिया तो फिर एक होल स्टेप हो गया, ई से एफ में एक हाफ स्टेप, ई से एफ आ गया, एफ से जी में दो हाफ स्टेप यानी एक होल स्टेप हो गया, जी से ए में दो हाफ स्टेप यानी एक होल स्टेप हो गया, ए से बी में, ए से बी में दो हाफ स्टेप यानी एक होल स्टेप हो गया, फिर बी से सी में हाफ स्टेप। ये जितने भी नोट्स बज रहे हैं ये सब सारे गामा पाधा निसा ही बजता है, जितने भी इसके लिए 12 नोट है, 12 मेजर स्केल होते हैं, ये 12 नोट है, 12 ही मेजर स्केल है। ठीक, और सब में सारे गामा पाधा निसा ही बजता है, बस वेस्टर्न नोटेशन में इसको बताने के लिए वेस्टर्न नोटेशन कैसे आपको बता रहे हैं इस तरह से, हम आपको वो भी चार्ट दिखा देंगे कैसे 12 स्केल कौन कौन से, इसके नोट्स क्या है, आपको निकालना भी सिखा रहे हैं, आप खुद भी निकाल सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं निकाल निकाल के, मैं आपको चार्ट भी दिखा दूंगा, नोट भी कर लीजिएगा, मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगा सामने आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए जो मेजर स्केल है इसके जो नोट्स हैं इनको हम बोलते हैं स्केल डिग्री, इनके सबके नाम समझ लीजिए, पहला नोट टोनिक, दूसरा नोट सुपर टोनिक, तीसरा नोट मीडिएंट, चौथा सब डोमिनेंट, पांचवा डोमिनेंट, छठा सब मीडिएंट, सातवा लीडिंग टोन और आठवां टोनिक, फिर लौट के ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे सी मेजर स्केल है तो सी हो गया टोनिक, डी हो गया सुपर टोनिक, ई हो गया मीडिएंट, एफ हो गया सब डोमिनेंट, जी हो गया डोमिनेंट, ए हो गया सब मीडिएंट, बी हो गया लीडिंग टोन और सी पे ऑक्टेव कंप्लीट टोनिक अगेन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि मेजर स्केल में जो उसके नोट्स होते हैं उसके नाम क्या होते हैं। अब बात हम कर रहे हैं कि 12 मेजर स्केल कौन कौन से हैं। जो हमने 12 नोट आपको बताए वो सारे 12 मेजर स्केल हैं। अगर सी से शुरुआत करें, ठीक है, तो मैं आपको उसका चार्ट भी दिखा दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इसका चार्ट है, मैं आपको इसको भी हारमोनियम में बजा के सब दिखा दूंगा।
इसको आप और अच्छे से फोटो इसकी खींच लीजिएगा, जूम करके देख लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा और फोटो भी लगा दूंगा आपका, वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये मेजर स्केल्स में कौन कौन से नोटेशंस आ रहे हैं। जैसे मैंने रूल आपको बता दिया कि किसी भी मेजर स्केल के नोटेशन निकालने के उसमें 7 नोट होंगे और 8वां रूट नोट हो जाएगा, यानी ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो पहला मेजर स्केल सी मेजर स्केल, सी डी ई एफ जी ए बी और सी पे ऑक्टेव कंप्लीट। इसका करेक्टर प्योर, इसमें कोई शार्प नहीं, कोई फ्लैट नहीं, ठीक। दूसरा है सी शार्प या डी फ्लैट मेजर स्केल। ये फ्लैट और शार्प क्या होता है, जो नोट हम बजा रहे हैं उसके अगला नोट वो शार्प हो जाता है, उससे पिछला वो फ्लैट हो जाता है। जैसे अगर ये सी है तो ये सी शार्प है, अगर ये डी है तो डी से डी फ्लैट क्या होगा, ये सी शार्प, डी फ्लैट से पहला नोट यानी सी शार्प। तो सी शार्प और डी फ्लैट एक ही चीज हुई, ठीक है। तो जैसे सी मेजर स्केल हो गया, अब हम दूसरा स्केल हमारा क्या है, डी फ्लैट मेजर स्केल या सी शार्प मेजर स्केल, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो डी फ्लैट या सी शार्प मेजर स्केल में नोट्स कौन कौन से हो जाएंगे नोटेशन इसके, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। इसमें 5 फ्लैट है, डी फ्लैट, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, ठीक। तीसरा मेजर स्केल डी मेजर स्केल, तो डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, इसमें 2 शार्प है, एफ शार्प सी शार्प। चौथा मेजर स्केल ई फ्लैट या डी शार्प मेजर स्केल, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, इसमें 3 फ्लैट है, ई फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, ठीक। उसके बाद 5वां आ गया आपका ई मेजर स्केल, क्या होता है इसमें नोटेशन क्या होंगे, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए बी सी शार्प डी शार्प ई, इसमें 4 शार्प है, एफ शार्प, जी शार्प, सी शार्प, डी शार्प। छठा है एफ मेजर स्केल, एफ जी ए बी फ्लैट सी डी ई एफ, इसमें 1 फ्लैट है, दैट इज बी फ्लैट, ठीक। 7वां है जी फ्लैट या एफ शार्प मेजर स्केल, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी फ्लैट, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, यानी 6 फ्लैट है, 6 फ्लैट्स, 6 फ्लैट, कैसे, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी फ्लैट, डी फ्लैट, ई फ्लैट, ठीक। अब 8वां मेजर स्केल है जी मेजर स्केल, जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, इसमें 1 शार्प है, एफ शार्प, ठीक। 9वां है ए फ्लैट या जी शार्प मेजर स्केल, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, इसमें 4 फ्लैट हैं, ए फ्लैट, बी फ्लैट, डी फ्लैट, ई फ्लैट, ठीक। 10वां नंबर है ए मेजर स्केल का, तो ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प ए, इसमें 3 शार्प हैं, सी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ठीक है। 11वां है बी फ्लैट या ई शार्प, बी फ्लैट या ए शार्प मेजर स्केल, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, इसमें 2 फ्लैट हैं, बी फ्लैट, ई फ्लैट। अब लास्ट जो आपका बी मेजर स्केल 12वां, बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी, इसमें 5 शार्प हैं, सी शार्प डी शार्प एफ शार्प बी शार्प ए शार्प। ये आपके 12 मेजर स्केल हैं, ठीक है। अब इसको हारमोनियम में भी कैसे बजेगा देख लीजिए, हारमोनियम में जो नोट्स हैं वो भी समझ लीजिए कैसे। पहला होता है ये सी है, ठीक है, सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प ई, डी शार्प ए, ए शार्प बी, सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प जी, डी शार्प ए, ए शार्प बी, सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प जी, डी शार्प ए शार्प बी, सी, सी शार्प। ये सारे नोट्स हैं और मेजर स्केल मैंने आपको बता दिया। जैसे सी में फॉर्मूला हमने बताई दिया आपको कैसे निकलता था, सी से डी एक होल स्टेप,
डी से ही दूसरा होल स्टेप, डी से हाफ स्टेप, एफ से जी होल स्टेप, जी से होल स्टेप, ए से बी होल स्टेप, बी से सी हाफ स्टेप। तो ये रूल हर में लागू होगा, ठीक है। अब आपको हारमोनिक में बजा के देख लीजिए, जैसे हमने बजाया सी मेजर, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये हम सब में सारे गामा पा सा नी सा ही बजाते हैं, ठीक है। जैसे सी मेजर हो गया, अब डी फ्लैट या सी शार्प मेजर स्केल, तो डी फ्लैट ये हुआ, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ये भी सारे गांव पालन सा बजा, ठीक। अब डी मेजर स्केल, डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प, डी। अब ये भी ध्यान रखिए कि जहां से शुरू होता है अगले ऑक्टेव पे वहीं पे खत्म होगा, वही सा से सा होता है, ये डी, ये भी डी, ये सी, ये भी सी, ये डी फ्लैट, ये भी डी फ्लैट या सी शार्प, ठीक। अब ई फ्लैट या डी शार्प, तो ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, ठीक। अब ई मेजर स्केल, ई, उसके बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ठीक, ई से ई। अब एफ मेजर स्केल, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी, उसके बाद ई, एफ, ये एफ मेजर स्केल हो गया। अब जी फ्लैट या एफ शार्प मेजर स्केल, तो जी फ्लैट या एफ शार्प हो गया, तो जी फ्लैट या एफ शार्प, तो जी फ्लैट, ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी फ्लैट, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ और जी फ्लैट, ठीक। अब जी मेजर स्केल, जी, ए, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ शार्प, जी, ठीक है। अब ए फ्लैट या जी शार्प, ए फ्लैट या जी शार्प, ये ए फ्लैट या जी शार्प, तो ए फ्लैट, बी फ्लैट, सी, डी फ्लैट, ई फ्लैट, एफ, जी, ए फ्लैट, ठीक। ए मेजर स्केल, ए, बी, सी शार्प, डी, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, ठीक। अब बी फ्लैट या ए शार्प मेजर स्केल, बी फ्लैट, ये है बी, तो बी फ्लैट, ये ए शार्प, ठीक है, बी फ्लैट, सी, डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, ठीक। अब बी मेजर स्केल, ये बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, तो ये 12 मेजर स्केल हो गए। अब सारा आपने हारमोनी भी बजा के देख लिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ये समझाया कि स्केल क्या है, मेजर स्केल क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, और जो उसके
मेजर स्केल के जो नोट्स हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके उनके नाम क्या क्या है, स्केल डिग्री उनके नाम क्या क्या है, कितने नोट्स हैं, कितने मेजर स्केल हैं, सब मैंने आपको बताया, हारमोनियम पे बता के भी समझा दिया। अब अगला प्रश्न हमारे ये आता है कि हमें अपना स्केल कैसे ढूंढना है ताकि हम जो गाना गाए वो खराब ना लगे, हमारी आवाज बेसुरी ना लगे और सुनने में हमको अच्छा लगे। तो जैसे एक स्टैंडर्ड क्या है कि जो मेल वॉइस है उसके लिए स्टैंडर्ड ये है कि सी या सी शार्प, इसको सा मान के वो रियाज करें, ठीक है। और जो फीमेल वॉइस है वो मंद सप्तक में जी शार्प या ए शार्प, चौथा काला है पांचवा काला, क्योंकि फीमेल्स की आवाज पतली होती है इसलिए उनको बेस में सूट करता है, मेल्स की आवाज भारी होती है इसलिए उनको मिडिल ऑक्टेव में इतने दिया जाता है सी या सी शार्प। अब मान लिया आप रियाज कर रहे हैं, आपने करा सारे गामा पा धानी सा, अब आपको लग रहा है नहीं यहां पे और नहीं सूट कर रहा, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, यहां से हमको यहां पे उतना सुटेबल नहीं लग रहा है, तो हम यहां से कर लेंगे। यहां से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपका आपका स्केल मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। आपको यहां से नहीं और पीछे से कर लीजिए, आपको लग रहा नहीं यहां से और सुन, यहां से कर लीजिए, जहां से आपकी आवाज सूट कर रही है वहां से आप प्रैक्टिस करिए। वो जब आप रियाज करेंगे तो आपका नेचुरल, जो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। जैसे अगर आप मालूम मार्केट में कोई अपनी शर्ट लेने जा रहे हैं या जूता लेने जा रहे हैं तो उनके साइज डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं, शर्ट लेने गए 38 नंबर, 39 नंबर, 40, 42, 44, 46 इस टाइप से, जूते लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो सबके एक साइज बने हुए हैं। इसी तरह से हर एक का सबका स्केल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी उन्हीं स्केल्स में लोग फिट हो जाते हैं। जैसे मान लो शर्ट लेने जा रहा है, एक स्टैंडर्ड जनरली देख के एडजस्ट ले ले, 40 नंबर की शर्ट आपने ले ली तो थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर भी हो तभी आप वो आपको एडजस्ट हो जाएगा वहां पे। उसी तरह जितने सारे स्केल बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्वर उसमें एडजस्ट हो जाएगा 101%। बस आपको थोड़ा सा कोशिश करनी है, टटोलना है, ढूंढना है कि हमारा नेचुरल स्केल कहाँ पर है, जहां पर हमको गाने में तकलीफ नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम गा ले रहे हैं, ठीक है। आपको दो उदाहरण समझाते हैं। एक तो जैसे लो रेंज का गाना हो, आपको लग रहा है बेस में दिक्कत है तो 100 ऊपर चढ़ दीजिए। एग्जाम्पल के लिए रफी साहब का गाना था टूटे हुए ख्वाबों ने हमको सिखाया, मलिक यहां से गा रहे अब, लेकिन लग रहा कि बेस में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है तो हमने अभी यहां से लिया था एक सुर आगे बढ़ा दिया, यहां से ले लिया महसूस हो रही, एक स्वर और आगे बढ़ा दिया हमने, आपको मिल जाएगा जहां से आपको गाने में आसानी हो जाएगी। ये तो उदाहरण लिया मैंने एक
नीचे के गाने का, मान लीजिए ऊपर के गाने का स्केल हो तो क्या करेंगे? अगर आपके रेंज के बाहर है तो उसको दो तीन स्केल नीचे कर लीजिए, एक दो सुर नीचे कर लीजिए। जैसे वो गाना था जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, उसमें जो शुरुआत हुई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, तो अब जैसे यहां से शुरुआत करिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपको लग रहा है कि बहुत ऊपर है, हमको गाने में दिक्कत हो रही है, तो अब ये वहां से ले रहे थे, ये एक सो नीचे कर दिया, क्या करें? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा तस्मै श्री गुरवे नमः। डाल अब ये स्केल हो गया, मान ली यहां भी दिक्कत लगी, एक सौ और नीचे कर लिया हमने, गुरुर ब्रह्मा स्केल हो गया, तो हमको कहीं ना कहीं वो गाना मिल जाएगा जहां पे हम आराम से गा लेंगे। तो फ्रेंड्स यही आपको कोशिश करनी है, यही प्रैक्टिस करनी है। लगा होगा आज मैंने प्रयास किया आपको समझा सकूं कि स्केल क्या होता है, स्केल कितने तरह के होते हैं, मेजर स्केल कितने हैं, उनके नोटेशंस कैसे निकलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, नोट्स कौन कौन से बनते हैं, 12 नोट क्या है, 12 मेजर स्केल कौन से, हारमोनियम पे कैसे बजेगा, आपको अपना स्केल कैसे मिलेगा, मेल का रियाज करें सी और सी शार्प से करें, फीमेल करें जी शार्प ए शार्प, मतलब सप्ताह के चौथे का या पांचवे का रियाज कर लें, ठीक है। और गाना जो अगर आपका ऊपर के स्केल का है तो अपने स्केल लाने के एक आसर नीचे कर लीजिए, नीचे का स्केल का है तो एक आसर ऊपर कर लीजिए, ताकि आप आराम से उसको गा सकें। फ्रेंड्स आशा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने मेरा वीडियो अंत तक बड़े ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।